हाय गाइस, वेलकम टू द नेचुरल एंगल। माय नेम इज हितेश और आज मैं हूँ कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ फेमस है अपने फोर्ट्स के लिए, अपने हिस्टोरिकल थिंग्स के लिए, साथ में वाइल्ड लाइफ के लिए, बिकॉज देर इज़ अ कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज वेल। तो इन दिस सीरीज ऑफ व्लॉग्स, जिसमें दो तीन व्लॉग्स होंगे, आई विल शो यू कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में भी, कुंभलगढ़ फोर्ट के बारे में भी, और जो यहाँ पे जहाँ पे मैं रुका हूँ इन द जंगल कॉलिंग उसके बारे में भी। बट द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, विच इज कुंभलगढ़ पहुँचते कैसे हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से कुंभलगढ़ जाने के दो तीन रास्ते हैं। एक है बाय रोड। बाय रोड तो यू कैन डायरेक्टली गो टू कुंभलगढ़, बाय ट्रेन और बाय फ्लाइट दोनों से आपको पहले जाना होगा उदयपुर। उदयपुर से कुंभलगढ़ का डिस्टेंस है अराउंड 100 किलोमीटर, विच टेक्स अराउंड 3 आवर्स। सो दैट टू इज अ गुड ऑप्शन। आई एम ऑप्टिंग फॉर द ट्रेन। मेरी ट्रेन है मेवाड़ एक्सप्रेस, विच स्टार्ट फ्रॉम निजामुद्दीन एट अराउंड 6:30 इन द इवनिंग। वो पकड़ के द टाइम इज 7:20 उदयपुर इसका ट्रेन का पहुंचने का। इफ यू टेक दैट ट्रेन, उसके बाद वहां से इफ यू टेक द बस, आपको एक बस स्टैंड जाना होगा। यू विल रीच कुंभलगढ़ जो है बाय 11 o'clock। सो वेल यू गाइस मे बी वंडरिंग कि व्हाई जंगल कॉलिंग एंड व्हाई नॉट एनी अदर प्रॉपर्टी, व्हाई शुड वी स्टे हियर। सो इसके बहुत सारे रीजंस हैं, लेट मी टेल यू फ्यू ऑफ देम। सबसे पहला तो जो होस्ट है यहाँ पे ऋषि, ही इज अ जेम पर्सन, ही इज वन ऑफ द बेस्ट होस्ट आई हैव एवर मेट। मैं बहुत घूमा हूँ एंड ही नो हाउ टू हैंडल द क्लाइंट्स, ही नो हाउ टू बी फ्रेंड विद द गेस्ट एंड ऑल, हाउ टू टेक केयर ऑफ द गेस्ट। नंबर टू, दे प्रमोट आर्ट। ठीक है, यहाँ की जितनी वॉल्स हैं जो इनकी प्रॉपर्टी है उसके अंदर की, सब पे वॉल पे पेंटिंग्स आपको मिलेंगी यहाँ पे आपको, एंड वॉल आर्ट मिलेगी और बहुत चीज़ें हैं जो यहाँ पे इन्होंने सजा रखा है पूरा अच्छे से, टू प्रमोट आर्ट, टू प्रमोट द लोकल स्टफ, टू प्रमोट द नेचर। कुछ भी आपको आर्टिफिशियल ऐसा नहीं मिलेगा कि ये कर रहे हैं इससे नेचर पे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। नंबर थ्री, द लोकेशन। कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बिल्कुल चिपकी हुई लोकेशन है और बहुत बहुत अच्छी लोकेशन है। मतलब कल हम जब रात को गए थे किसी को पिक करने के लिए, तो हमारी गाड़ी के आगे हाइना वॉक कर रहा था। इट इज़ डैट डैम गुड। नंबर फोर, बर्डिंग एक्टिविटी बहुत अमेजिंग है यहाँ पे। इस प्रॉपर्टी में ही मेरे को आई थिंक 40 स्पीशीज दिखी होंगी, वो भी सिर्फ एक मॉर्निंग सेशन में, उससे भी ज्यादा। एक दो तो ऐसी भी थी जिनके बारे में मुझे भी इतना आइडिया नहीं था, तो उनको मेरे को भी आइडेंटिफाई करना है। प्रॉपर्टी के पास ही एक 400 साल पुराना पेड़ है, उसके अलावा बहुत एक्टिविटी है, पूरा जंगल है, पूरी एक्टिविटी है। स्लॉथ बियर की एक्टिविटी काफी रहती है, लेपर्ड की रहती है, हाइना की रहती है। फोटोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अमेजिंग जगह है। ये तो सारे रीजन है कि वाई दिस प्रॉपर्टी। दूसरा रीजन है कि इट इज़ गुड फॉर बैकपैकर्स एज वेल। ठीक है, मतलब कि वी डोंट वांट टू स्पेंड मच, वही होता है हम फोटोग्राफर्स के साथ, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स वगैरह के साथ, कि वी डोंट वांट टू स्पेंड मच, हमें ज़्यादा पैसे नहीं खर्चने हैं, बट वी वांट मतलब एक कंफर्टेबल स्टे होना चाहिए। तो दिस प्रॉपर्टी हैज़ डोरमेट्री सर्विस फैसिलिटी एज वेल, विच कैन एकोमोडेट 20 पीपल। तो 20 लोगों का यह डोरमेट्री का हो सकता है। उसके अलावा रूम्स भी हैं, जरूरी नहीं सिर्फ डोरमेट्री में ही आपको रुकना है। इफ़ यू कमिंग विद फैमिली तो यहाँ पे रूम्स भी हैं, यू कैन स्टे विद फैमिली इन द रूम्स। फूड बहुत अच्छा है, खाना मैं दो दिन से खा रहा हूँ, बहुत अच्छा खाना है, पूरा नीट क्लीन हाइजेनिक है, सब कुछ बहुत अच्छा है। सो दिस ट्री विच यू आर सीइंग इज एक्चुअली 400 years old, 400 साल पुराना है, और इसके शोल्डर से ही दूसरे ट्री निकल जाते हैं। मतलब कि ये जिसके शोल्डर्स हैं जब वो अर्थ में जाते हैं वहाँ से एक दूसरा ट्री ही निकल के आ जाता है। ये लेपर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव है, यहाँ बहुत लेपर्ड्स है। कल रात को भी हमने हाइना देखा था, हमारी गाड़ी के बिल्कुल आगे ही आके रुका हुआ था, एंड अभी यहाँ पे लगातार अलार्म कॉल्स चल रही हैं एंड वी आर जस्ट वॉकिंग अराउंड। कंप्लीट लेपर्ड एरिया है बट अभी तक तो मिला नहीं है, एंड इट्स अ गुड बर्डिंग लोकेशन एज वेल। बहुत ज़्यादा अनटच्ड है पूरा कुंभलगढ़, यू कैन ईजिली कम, यू कैन ईजिली एक्सप्लोर। पोस्ट लंच ऋषि भाई आस्क्ड मी कि लेट्स गो फॉर अ ट्रिक टू सी द सनसेट, एंड या थोड़ा टायर्ड था मैं, बट आई थॉट कि ठीक है लेट्स गिव इट अ ट्राई, क्योंकि बार बार आना होता नहीं है। आई विल नॉट से कि ट्रैक बहुत ईजी था, बट आई थिंक वो वर्थ था। एंड वर्थ क्यों था,
दैट यू विल सी। So this was the first video from this place, and in the next I'll show you the wildlife which we got, the birds, the location, Kumbhalgarh Fort and many other things. So stay tuned.